लेकिन बात लोग तो है, उन्होंने यहां तक लिख दिया लौकोमिल बिन हबीस लरसम दफा तो राइट। अगर हदीस पर अमल किया गया, क्यास के खिलाफ अगर हदीस पर अमल किया गया तो राय का दरवाजा बंद हो जाएगा। गोया वो चाहते हैं कि राय का दरवाजा बंद ना हो, हमेशा खुला रहे। उस राय की वजह से हदीस को रद्द कर दिया जाए जो भी हदीस अपने मजहब और इमाम के मजहब के खिलाफ। कई हदीस रद्द कर दिए, कई हदीस रद्द कर दिए। आज भी आप देखें मशहूर हदीस है, बार बार सुनते हैं हलाला करने वाला और जिसके लिए हलाला किया जाए दोनों ब्रह्मा की दखल। और हलाला किसलिए किया जाता है, हमारे आप सब जानते हैं, अगर किसी आदमी ने अपनी बीवी को एक जगह पर तीन तलाक दे दी, चक्कर गया मौलवी साहब के पास, मौलवी साहब वो कहेंगे कि भाई बीवी हराम हो चुकी, एक ही रास्ता है हलाला किया जाए, अपनी बीवी का निकाह किसी दूसरे आदमी के साथ करा दो, चंद रातों के लिए, एक रात के लिए, चंद दिनों के लिए, वो हम बिस्तरी करेगा, उसके बाद तलाक देगा, उसके बाद तुम उसी औरत के साथ निकाह कर सकते। मुझे बताइए निकाह है, अल्लाह के नबी ने इसको फलून फैल करार दिया, बल्कि आपने फरमाया सहाबा से एक मरतबा अला उखबे उम्मे तैसन मुस्तफा, क्या मैं तुम्हें बताऊं कि किराए का साथ कौन है, लेकिन एक दलील मैं आपके सामने पेश करता हूं, ज़हन को साफ कर दे, आपके सामने कुरान की आयत पेश करेंगे, वो आयत क्या है, कहेंगे कि भाई देखिए कुरान के अंदर हलाले का सबूत मौजूद है, भाई कहा जिस बीवी को तलाक दे दी वो तब हलाल होगी जब वो औरत किसी और के साथ शादी करे, किसी और शौहर के साथ, किस मर्द के साथ शादी करे, उसके बाद हलाल होगी। लेकिन आपसे सवाल करना चाहता हूं, आप पढ़े लिखे अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बताएं कभी निकाह एक रात के लिए हुआ, कभी निकाह एक हफ्ते के लिए भी हुआ, निकाह हमेशा जब भी कोई आदमी अपनी बेटी किसी के हवाले करता है शादी में क्या नियत होगी कि मेरी बेटी इस आदमी के निकाह में हमेशा रहेगी, यही नियत होती है, और शादी करने वाले की भी यही नियत होती है कि मैं इसको हमेशा बीवी की तरह रखूंगा। अल्लाह ने फरमाया आगे कुछ है हालात पैदा हो जाए वो अलग बात, लेकिन प्लानिंग नहीं होती, मनसूबाबंदी नहीं होती, पहले हालात पैदा हो सकते वो अलग बात है, लेकिन यहां क्या होता है पहले से मनसूबाबंदी होती है कि मैं इस औरत को इस्तेमाल करके उसको तलाक दे दूंगा, उसके बाद पहले शौहर के साथ निकाह करेगी, ये निकाह है ही नहीं, ये निकाह ही नहीं है, फ्रॉड है, यही वजह है। कभी आपने गौर किया, मैं आपको दावत देता हूं दावत फिक्र, आज तक आप में से किसी को जो हलाले का निकाह है उसका कार्ड मिला है, इनविटेशन कार्ड, शादी जब होती है भाई आपको कार्ड देते हैं ना, वलीमा फुलान टाइम पर होगा, आप में से किसी को आज तक हलाले के निकाह का कार्ड मिला है, ये काम छुप कर किया जाता है, हलाल काम साहब जरूर किया जाता है, छुप कर इसलिए करते हैं इनका शरीर भी बराबर करता है कि ये हराम और नाजायज काम, बल्कि सुनन को बड़ा बेहतरीन है। सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह अन्हुमा की अजीब रवायत मौजूद है, उन्होंने मामले को साफ कर दिया कि अगर कोई आदमी निकाह करता है यानी कि उस औरत को हराम करने के लिए किसी आदमी ने सवाल किया कि अब्दुल्ला एक आदमी ने अपनी बीवी को तलाक दे दी तीन तलाक, अब वो आदमी चाहता है कि किसी दूसरे आदमी के साथ की बीवी का निकाह करा दे, उसके बाद वो तलाक दे फिर ये शादी करे, क्या ये निकाह होगा, तो अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अजीम जवाब दिया कि निकाह वही होता है जो रहमत के साथ किया जाता है, इसमें रहमत है ही नहीं, रहमत है इसमें नहीं है, चंद दिन के बाद छोड़ देना है। अब मुझे पता है वाज़े अहादीस मौजूद है लेकिन आज भी इन अहादीस का इनकार किया,
میں نے ہاں جو لوگ جن کے اندر غیرت موجود ہے اس مسئلے پر میں خود گواہ ہوں. یہ 1992 کی بات ہے, 92 دارالحدیث رحمانیہ میں شیخ عبداللہ نصر رحمانی حفظہ اللہ ہمارے امیر ہمارے شیخ ان کے ساتھ ملاقات کے لیے کبھی کبھار جایا کرتا تھا. مجھے یاد ہے میں نے 2-3 مرتبہ ایسے لوگوں کو دیکھا جو وہاں موجود ہوتے تھے فتویٰ لینے کے لیے کہ یہ ایک طلاق ہے تین طلاق نہیں ہے. مجھے شیخ صاحب کے جملے بھی یاد ہیں, ہمارے علماء کے جملے بھی یاد ہیں, فتویٰ لکھ کر دیتے تھے لیکن اس سے کہتے تھے کہ اللہ کے بندے ہمیں یہ بتاؤ جب اس معاملے کے اندر تم ہمارے فتویٰ کو قبول کرتے ہو تو اہل حدیث کے باقی کون سے مسائل ہیں جو حدیث کے خلاف بات نہیں رہتی, کون سے دوسرے مسائل ہمارے ہیں جو حدیث کے خلاف, جب الحمدللہ سارے مسائل حدیث کے مطابق ہیں تو صرف ایک مسئلہ کیوں لیتے ہو؟ اور اسی وجہ سے ہزاروں لوگ اہل حدیث ہیں, ہزاروں لوگ جن کے اندر غیرت کی رمت موجود ہے انہوں نے اس مسئلے کو قبول نہیں کیا. تو اندازہ لگا لے جو جماعت جو وقت میں فکر کسی منحور فعل کو جائز قرار دے اللہ کی قسم وہ حق والی جماعت نہیں ہوتی, حق والی جماعت کوئی نہیں سمجھ سکتی جو منحور فعل کو جائز قرار دے. بلکہ آپ کو یہ بتانا چاہوں دور مختار کے اندر لکھا ہوا ہے مفتی تقی عثمانی صاحب نے 10 کے اندر اس کو ڈبل کیا ہے. یہاں تک حنفی جو فقہا ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی آدمی نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی, اب دوسرے مسلمان کو پتا چل گیا اس نے 3 طلاق دی ہے, یہ شوہر سے کچھ بھی نہ کہے جس نے طلاق دی, خود اپنی یعنی کہ مرضی سے نکاح کر لیا کہ میں اس کو چند دن رکھ کر اس کے بعد طلاق دوں گا, پھر جا کر اپنے پہلے شوہر سے نکاح کرے. تقی عثمانی صاحب لکھتے ہیں دور مختار کا حوالہ دے کر کہ اس سے اجر ملے گا. انا للہ وانا الیہ راجعون, اسے اجر ملے گا. یہ ایک بلون فیل پر یہ تقریر انسان کو کس قدر گرا دیتی ہے. بلون فیل کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اسے اجر ملے گا.